यूपी टी20 लीग 2024 अब खत्म हो चुकी है। मेरिट मैवरिक्स ने खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में कानपुर सुपरस्टार्स को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस लीग से कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन तो बेहद शानदार रहा, तो कुछ खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित भी किया। तो अब लीग तो खत्म हो चुकी है, चैंपियन मेरिट मैवरिक्स मिल चुकी है, लेकिन ऑरेंज और पर्पल कैप किसने जीती, कौन से वो टॉप 5 खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में जिन्होंने इस लीग में अपना हल्ला बोल जारी रखा। यूपी टी20 लीग में ऑरेंज कैप यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में मेरठ मैवरिक्स के स्वास्तिक चिकारा नंबर 1 पर है, और मेरठ के स्वास्तिक चिकारा को ऑरेंज कैप के खिताब से नवाजा गया। उनको सीजन का सबसे शानदार प्लेयर भी माना गया क्योंकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन अपनी टीम के लिए किया था। दरअसल स्वास्तिक चिकारा ने 12 मैच में 499 रन बनाए, और इसके बाद समीर रिजवी का नाम आता है जिन्होंने 13 मैच में 468 रन कानपुर सुपरस्टार्स के लिए बनाए थे। हालांकि समीर रिजवी और स्वास्तिक चिकारा के बीच में बहुत शानदार कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था। एक पक लगा था कि समीर रिजवी ऑरेंज कैप जीत जाएंगे, लेकिन स्वास्तिक चिकारा ने चाहे फाइनल हो या उससे पहले के मुकाबले उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे नंबर पर आते हैं मेरठ मैवरिक्स के ही माधव कौशिक, जो फाइनल के मैच में कप्तान थे क्योंकि रिंकू सिंह दलित ट्रॉफी खेलने के लिए गए थे। उन्होंने 12 मैच में 366 रन बनाए मेरठ मैवरिक्स के लिए, और फाइनल में शानदार पारी खेल अपनी टीम को जिताया भी। इसके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं आदर्श सिंह जो कानपुर के हैं, और 13 मैच में 308 रन बनाए। वहीं आकाशदीप जो गोरखपुर टीम के हैं, उन्होंने 289 रन 10 मैच में बनाए। तो स्वास्तिक चिकारा लगभग 500 रन बना ही चुके थे, एक रन से रह गए 499 रन, 468 रन समीर रिजवी के, माधव कौशिक 366, ये टॉप 3 बल्लेबाज रहे, लेकिन इन सब में से स्वास्तिक चिकारा ने ऑरेंज कैप अपने नाम की। ये तो रही बात ऑरेंज कैप की, लेकिन पर्पल कैप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी इस पूरी लीग में कौन रहा, यहाँ पर भी मेरठ मैवरिक्स का जलवा देखने को मिला, क्योंकि जीशान अंसारी जो मेरठ मैवरिक्स के शानदार गेंदबाज हैं उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। अंसारी ने 12 मैच में 24 विकेट लिए मेरठ मैवरिक्स के लिए, तो विपराज निगम ने 12 मैच में 20 विकेट अपने नाम किए जो लखनऊ के खिलाड़ी थे। हालांकि लखनऊ को प्लेऑफ में हार का सामना करना पड़ा जिसके कारण वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। वहीं सुनील कुमार को 11 मैच में 19 विकेट लिए, ये काशी के खिलाड़ी हैं। यश गर्ग को 12 मैच में 17 विकेट, ये मेरठ के खिलाड़ी है। तो मोहसिन खान कानपुर के जिन्होंने 11 मैच में 15 विकेट अपने नाम किए वो 5वें नंबर पर रहे। तो मेरठ मैवरिक्स चैंपियन भी बनी। स्वास्तिक चिकारा ने अगर ऑरेंज कैप जीती तो जीशान अंसारी ने पर्पल कैप अपने नाम की। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी टी20 लीग 2024 में मेरठ मैवरिक्स का जलवा खूब देखने को मिला। चैंपियन भी रहे, टॉप खिलाड़ी भी इस टीम के रहे, और कप्तानी में भी ये टीम जो थी नंबर 1 रहे। तो मेरठ मैवरिक्स ने खिताब जीतकर एक नया आगाज यूपी टी20 लीग में कर दिया है।